हेलो डेवलपर्स, आई एम निखिल गुप्ता एंड यू आर वाचिंग एनके सब्सक्राइब। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों को इस वीडियो ट्यूटोरियल में। और आज से हम लोग सीखने जा रहे हैं रिडक्स। तो इससे पहले अगर आप लोगों ने रिएक्ट क्या होता है नहीं पता है, तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि ये वीडियो को देखने से पहले रिएक्ट का जो भी कोर फंडामेंटल है वो सीख लें, ठीक है। तो रिएक्ट में एक प्रॉब्लम था स्टेट मैनेजमेंट का, ठीक है, जो कि एक इंडिविजुअल कॉम्पोनेंट का एक अपना अपना स्टेट्स होता था, और फिर एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट को स्टेट पास करने के लिए हम लोग जो भी प्रॉप्स यूज करते थे। तो वो चीज अगर स्मॉल प्रोजेक्ट है वो सही है, लेकिन अगर लार्ज स्केल प्रोजेक्ट है तो उसके लिए फिर बहुत ही डिफिकल्ट होता है स्टेट को मैनेज करना। तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने ऑलरेडी अपलोड करके रखा है कॉन्टेक्स्ट एपीआई, ठीक है, तो अगर आप लोग उसको देख लेते हो तो और बेटर रहेगा। तो यहाँ पर रिडक्स क्या है? तो रिडक्स वही सोल्यूशन है जो भी वो स्टेट को मैनेज करने के लिए प्रॉब्लम हो रहा था, तो उसका सोल्यूशन रिडक्स यहाँ पर कर सकता है। लेकिन जो रिडक्स है ना फ्रेंड, यहाँ पर वो स्टैंड अलोन है, रिएक्ट स्टैंड अलोन है। मतलब रिएक्ट अलग चीज, रिडक्स अलग चीज। रिडक्स को आप लोग अकेले यूज कर सकते हो, ठीक है, और रिएक्ट यूज होता है यूजर इंटरफेस बनाने के लिए, और रिडक्स यूज होता है स्टेट मैनेजमेंट के लिए। और ये जो रिडक्स है सिर्फ रिएक्ट ही नहीं, बाकी सभी यूआई लाइब्रेरीज जैसे कि एंगुलर है, व्यूज है, वो सब मुझे पता नहीं है, मैंने बस रिएक्ट ही पढ़ा है, ठीक है, यूआई इंटरफेसेस के लिए। तो अगर आप लोगों को पता होगा व्यू जेएस, एंगुलर जेएस, तो आप लोग समझ सकते हो। और ये क्या है, यहाँ पर देखिए, बेसिकली इट इज यूज्ड टू सर्व सेंट्रलाइज स्टोर फॉर स्टेट्स दैट नीड्स टू बी यूज्ड अक्रॉस एंटायर एप्लीकेशन। तो आपका एप्लीकेशन की जितना भी स्टेट्स है एक सेंट्रलाइज स्टोर में रहेगा, ठीक है। जब भी आप लोग को रिक्वायरमेंट होगी उस स्टेट की, तो आप लोग उस सेंट्रलाइज स्टोर से एक्सेस कर सकते हो। और जो रिडक्स है यहाँ पर सेंट्रलाइज स्टोर सॉल्व करता है, ठीक है, क्योंकि रिएक्ट एंड रिडक्स दोनों एक स्टैंड अलोन है। तो दोनों को साथ में अगर यूज करना है आप लोगों को, तो एक पैकेज या फिर बोलो लाइब्रेरी, उसको बोलते हैं रिएक्ट रिडक्स, उसकी भी जरूरत होती है। स्टेट क्या है? स्टेट तो हम लोग डेली यूज करते आ रहे हैं फ्रेंड, कि एक कंपोनेंट में स्टेट है। स्टेट क्यों है? हम लोग किसी वैल्यू को स्टोर करके रखना चाहते हैं बाद में, क्योंकि हम लोग को उसको यूज करना है। और ये डिपेंड करता है आप में किस तरह से डील करते हो स्टेट के साथ, ठीक है। तो व्हाट इज प्रेडिक्टेबल मीन्स एट हियर, ठीक है। So in redux, transition of a state are explicitly done, so easy to keep track of them. So changes to your application state become predictable. क्योंकि यहाँ पर जो भी changes होता है, ठीक है, transition जिसको बोल रहा हूँ मैं यहाँ पर state का, तो वो explicitly ही होता है, तो उसको track करना आसान होता है। तो friend यही एक reason है जो कि ये यहाँ पर predictable, क्योंकि यहाँ पर लिखा है Redux is the state management library for JavaScript application in a predictable way. तो फ्रेंड यहाँ पर जो भी वर्कफ्लो है स्टेट ट्रांजिशन Redux में, तो ये वर्कफ्लो अगर अभी आप लोगों को बता भी दूँ तो शायद आप लोगों को बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ेगा इसको समझने के लिए। तो अगर इसको समझना है तो मैं क्या करूँगा, कोड भी लिखूंगा साथ में, ये भी बताऊंगा कि किस तरह से हो रहा है यहाँ पे। दूसरा बात फ्रेंड की, जो रिडक्स को स्टेट कंटेनर भी बोला जाता है, क्योंकि सेंट्रलाइज स्टोर सर्व करता है पूरा एप्लीकेशन का, स्टेट को वहां पर रख सकते हैं, जब भी जरूरत पड़ेगा स्टेट का तो हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। तो फ्रेंड वीडियो को पॉज करके ये इंस्टॉल कर लीजिए आप लोग रिडक्स और रिएक्ट रिडक्स। रिडक्स किस लिए मैंने बताया यहाँ पर ऊपर में, और React Redux किस लिए ये भी मैंने बताया आप लोगों को। तो वीडियो को पॉज करके आप लोग सिंपली इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने से पहले फ्रेंड, जैसे आप लोगों का जो रेगुलर
रेगुलर स्टेप्स होता है, जैसे कि रिएक्ट एप्लीकेशन क्रिएट करना, ठीक है, उसको कोड एडिटर के थ्रू ओपन करना। बेसिकली मैं विजुअल कोड एडिटर ही यूज़ करता हूँ, तो वो अच्छा रहता है फ्रेंड, आप लोग भी यूज़ करो। ये सब तो आप लोग को पता है, ठीक है। ऑल राइट फ्रेंड, तो ये रहा मेरा विजुअल कोड एडिटर। तो फ्रेंड सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक फोल्डर, ठीक है, सेम टू सेम आप भी करते जाइए, समझ में आया। तो इस SRC के अंदर एक फोल्डर बना लेता हूँ, जिसमें मैं यहाँ पर लिखता हूँ स्टेट्स, ठीक है, स्टेट्स। और साथ में एक और फोल्डर, देखो मैंने स्टेट्स फोल्डर बनाया और एक और फोल्डर बना लेता हूँ यहाँ पर, इसके अंदर नहीं, ठीक है, SRC के अंदर, इसके अंदर वो मैं देता हूँ एक्शंस, ठीक है। और एक और फोल्डर में बना देता हूँ यहाँ पर SRC के अंदर। फ्रेंड अभी फोल्डर का चिंता मत कीजिए, उससे पहले मैं आप लोगों को सिंपल सा एग्जांपल बताऊंगा, उसके बाद फोल्डर को यूज करके बताऊंगा, ठीक है। तो अभी मैं सिर्फ फोल्डर क्रिएट कर दे रहा हूँ। रिड्यूसर क्या लिखूं मैं, रिड्यूसर ही लिख देता हूँ, ठीक है। फोल्डर, ये तीन फोल्डर बना मेरा। तो फ्रेंड मैं यहाँ पर देखो एक एक्शन क्रिएट करता हूँ, ठीक है, क्रिएट एक्शन। एक्शन क्या है, जैसे कि मैं एक शॉपकीपर, ठीक है, मैं दुकान मार्केट में बुक स्टोर में जाके बोलूंगा कि मुझे ये बुक चाहिए। तो हम लोग का एक्शन क्या है, बुक खरीदना, ठीक है, बाय बुक। तो ये एक्शन मैं यहाँ पर क्रिएट कर ले रहा हूँ, कॉन्स्ट GUI बाय बुक, ठीक है। ये क्या रिटर्न करेगा, ये जो है स्ट्रिंग रिटर्न करता है, सिर्फ एक फ्रेंड ये स्ट्रिंग नहीं, ये एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। तो ये एक एक्शन क्रिएटर, और उसमें एक्शन का टाइप बताने के लिए कि एक्शन का टाइप क्या है, मतलब कौन सा एक्शन को परफॉर्म करना है, तो बाय बुक, ठीक है। और ये सिंपली एक फंक्शन है जो क्या रिटर्न करेगा आप लोगों को, एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पर रिटर्न, तो एक्शन का टाइप क्या है फ्रेंड, एक्शन का टाइप है GUI बाय बुक, ठीक है। ये तो फ्रेंड मैं यहाँ पर वो चीज बना लेता हूँ, क्या, शॉप, ठीक है, जहाँ पर बुक्स अवेलेबल है। तो यहाँ पर क्या है, हम लोग का शॉप, बस एग्जांपल के लिए कर रहा हूँ फ्रेंड ये सब। कॉन्स्ट शॉप इक्वल टू, और मैं यहाँ पर देखो इसमें क्या है, बुक्स, इसमें जो बुक्स है अभी फिलहाल 10 है, ठीक है। और तो अब देखो मैंने यहाँ पर एक्शन भी क्रिएट किया, ठीक है, एक्शन क्रिएटर फंक्शन भी क्रिएट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर जो बुक है, ठीक है, शॉप, वो भी क्रिएट किया। अब काम क्या है, रिड्यूसर बनाने का, ठीक है। तो रिड्यूसर, अब रिड्यूसर का काम क्या है, रिड्यूस वो क्या करता है कि एक्शन के बेस पे स्टेट की ट्रांजिशन करवाने के लिए हेल्पफुल रहता है, मतलब कि एक्शन के बेस पर स्टेट की ट्रांजिशन करवाता है, ये हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर अभी क्या है, एक्शन बाय बुक, ठीक है, तो एक्शन बाय बुक है, ये क्या करेगा, उस शॉप में से एक बुक को तो वो देगा कस्टमर को, शॉपकीपर। उसके बाद जो भी उसका स्टॉक मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर रहेगा वहां पर अपडेट कर देगा कि एक बुक यहाँ से रिड्यूस हो चुका। तो यहाँ पर रिड्यूसर क्या है, रिड्यूसर इज वर्क लाइक एन एजेंट, ठीक है, वर्क लाइक एन एजेंट मींस बेस्ड ऑन एक्शन परफॉर्म ट्रांजिशन,
स्टेट बेस्ड ऑन एक्शन परफॉर्म ट्रांजिशन ऑफ स्टेट, ठीक है, ऑन में यहाँ पर मैं जो रेड्यूसर है वो है शॉपकीपर है, कौन SHOP या फिर शॉपकीपर, ठीक है, शॉपकीपर इक्वल टू ये क्या लगेगा, देखो इसमें दो आर्ग्यूमेंट, रेड्यूसर में दो आर्ग्यूमेंट रहता है, ये कौन कौन सा आर्ग्यूमेंट है, तो पहला जो है इनिशियल स्टेट, ठीक है, तो स्टेट इक्वल्स टू जो इनिशियल स्टेट है हम लोग का जो शॉप में, ऊपर देखिए आप लोग यहाँ पर जो मैंने क्रिएट किया है शॉप, ठीक है, ये है, और उसके बाद नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट में मिलेगा इसको एक्शन, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए काम कैसे होगा, तो यहाँ पर एक स्विच केस का यूज होगा, स्विच एक्शन डॉट टाइप, ठीक है, एक्शन का टाइप क्या है, एक्शन का टाइप यहाँ पर केस में देखते हैं, अगर केस से मैच करता है किसे, बाय बाय बुक, ठीक है, और ये देखो एक्शन डॉट टाइप ये स्ट्रिंग है ना, बाय बुक, तो अब क्या करेगा रिड्यूसर, और फ्रेंड जो रिड्यूसर है, ठीक है, अपना जो भी ऑपरेशन है परफॉर्म करने के बाद न्यू स्टेट रिटर्न कर, ठीक है, तो यहाँ पर देखो रिटर्न ये न्यू स्टेट रिटर्न करता है, इसलिए मैं यहाँ पर देखो क्या कर रहा हूँ, स्पीड ऑफ ऑपरेटर का यूज कर रहा हूँ, क्यों यूज कर रहा हूँ, मान लीजिए यहाँ पर और भी कुछ होता है, ठीक है, उसके ज्यादा यहाँ पर पेंस होता है, ठीक है, पेंस 20 में दे ही देता हूँ, तो मैं यहाँ पर ये बता रहा हूँ कि जो पूरा स्टेट है उसमें से सिर्फ यही चेंज करो, तो ये सब करने के लिए पहले क्या किया मैंने, स्पीड ऑफ ऑपरेटर को यूज किया, पहले पूरा जितना भी ऑब्जेक्ट है उसको लो, उसके बाद उसमें से ये चीज चेंज करो, ठीक है, तो क्या चेंज करना है हम लोग को, बुक्स, बुक्स में से क्या करना है, बुक्स माइनस वन, एक कम कर देना है, ठीक है, और यहाँ पर देखो बुक्स, ठीक है, और इसी तरह अगर पेन के लिए होता या फिर बाकी कुछ भी चेंज हो सकता है, भाई पेन होता है, ठीक है, बाय पेन PEN, तो अब मुझे क्या करना पड़ता है यहाँ पर PENS पेन, ठीक है, एक पेन तो है नहीं, PENS माइनस वन, ठीक है, एक कम कर देता, अगर डिफॉल्ट है, ठीक है, ना बाय बुक ना बाय पेन, अगर डिफॉल्ट रहता है तो रिटर्न कर दो जो भी स्टेट है, जो भी करंट स्टेट है उसी को रिटर्न कर दो, ये चीज, तो जिस तरह से बाय बुक किया था उसी तरह से बाय पेन भी कर लेता हूं, इसको कॉपी किया मैंने और सिंपली यहां पर नीचे बाय पेन PEN और यहां पर बाय बुक था, यहां पर बाय पेन एक्शन क्रिएटर फंक्शन। ऑल राइट फ्रेंड, तो अब हम लोग को करना है क्या है, एक स्टोर भी क्रिएट करना है, ठीक है, स्टोर क्रिएट करने के लिए रिडक्स को यूज करना पड़ेगा, इंपोर्ट से क्या मतलब रह जाएगा, है ना फ्रेंड, इतना चीज बनाने का, क्रिएट स्टोर कहां से, फ्रॉम रिडक्स, रिडक्स, ठीक है, क्रिएट यहाँ पर ये कैपिटल होगा स्टोर, ऑल राइट, तो हम लोग अब यहाँ पर क्या करते हैं, स्टोर क्रिएट करते हैं, ठीक है, क्रिएट स्टोर, ठीक है, तो स्टोर है ये CONST const स्टोर इक्वल टू क्रिएट स्टोर, तो फ्रेंड अब स्टोर को हैंडल करने के लिए कौन चाहिए, रिड्यूसर चाहिए, तो यहाँ पर रिड्यूसर कौन है, शॉपकीपर, ठीक है, शॉपकीपर यहाँ पर रिड्यूसर है, अब फ्रेंड स्टेट तो अपडेट होगा लेकिन उसका नोटिफिकेशन, ठीक है, उसका अपडेशन को जानने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ठीक है, तो यहाँ पर देखो CONST const on subscribe, बात ये है कि फ्रेंड यहाँ कर अगर मैं लिखता हूँ store.subscribe, ठीक है, सब्सक्राइब,
तो ये एक कॉल बैक फंक्शन और इसके अंदर मतलब कि कोई भी अगर अपडेशन होता है ठीक है तो ये स्टोर डॉट सब्सक्राइब फंक्शन कॉल होगा ठीक है। और यहाँ पर हम लोग किसी भी फंक्शन को अगर एग्जीक्यूट कराना है तो ये कर सकते हैं। तो अभी हम लोग को बस चाहिए कि जो अपडेट हो रहा है उसका रिजल्ट, तो स्टोर डॉट गेट स्टेट ठीक है, स्टोर डॉट गेट स्टेट क्योंकि अपडेशन जानना है स्टेट का। अब देखो जैसे मैंने सब्सक्राइब तो कर दिया ठीक है, मतलब जो भी स्टेट को अपडेशन करने के बाद नोटिफाई करे कि ये अपडेट हुआ ठीक है, तो ये जानने के बाद अगर मैं चाहता हूँ कि हो गया मेरा काम तो हो गया, मुझे अब सब अनसब्सक्राइब करना है, कॉन्स्ट यहाँ पर अनसब्सक्राइब ठीक है, इस तरह से करना पड़ेगा। और लास्ट में जब काम हो जाएगा तो हम लोग सिंपली इस फंक्शन को कॉल कर दें अनसब्सक्राइब ठीक है। ऑलराइट फ्रेंड्स, एक चीज और मैं आपको बता दूं, अब देखो अगर उस एक्शन को बताना है मतलब कि रिड्यूसर को पता होना चाहिए कि कौन सा एक्शन परफॉर्म करना है आप लोगों, तो उसको करने के लिए डिस्पैच मेथड के अंदर हम लोगों को पास करना पड़ेगा। तो आप लोग देखो वहां पर सिंपली स्ट्रिंग पास कर सकते हैं जो बताएगा एक्शन की टाइप को, या तो सिंपली एक्शन क्रिएटर फंक्शन डिस्पैच मेथड के अंदर कॉल कर देंगे तो वो रिटर्न कर देगा ये टाइप बाय पेन हो या बाय बुक। तो उसके बाद वो अब यहाँ पर आएगा ठीक है, यहाँ पर एक्शन डॉट टाइप क्या है बाय बुक। तो अब क्या करो, बुक में से एक बुक कस्टमर को दे दो और फिर स्टेट को अपडेट कर दो। तो ये चीज है, तो यहाँ पर डिस्पैच एक्शन बोलते हैं इसको ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, देखो स्टोर डॉट डिस्पैच और इसके अंदर में सिंपली बाय बुक ठीक है ये कॉल कर दिया, और इसी तरह स्टोर डॉट डिस्पैच डिस्पैच बाय एक और बुक बिक गया ठीक है। उसके बाद ठीक नीचे इसका स्टोर डॉट डिस्पैच बाय पेन बार पेन तो यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ अपडेटेड स्टेट ठीक है। अब इसको रन कराना है ना फ्रेंड, तो उससे पहले कि मुझे कोई एरर आए यहाँ से मैं यहाँ से ठीक कर देता हूँ यहाँ पर ठीक है। यहाँ पर देखो कुछ भी नहीं है, इम्पोर्ट मैंने सब हटा दिया था, रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट और ये कॉन्स्ट ऐप इक्वल टू हेलो रिडक्स ठीक है। और यहाँ से मैं एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐप इसको मैंने सेव किया और ये यहाँ पर इसको भी सेव किया और देखो इसको रन करना है तो यहाँ पर टर्मिनल यहाँ पे व्यू में जाके अभी ये बुक्स इज नॉट डिफाइंड तो फ्रेंड रुक जाइए, इसको मैं पहले क्या करता हूँ, ऑलरेडी स्टार्ट था मेरे ख्याल से, यहाँ पर बुक्स इज नॉट डिफाइंड आ रहा था ना, बुक्स तो है यहाँ पर पेन भी है ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, उसके बाद देखते हैं npm स्टार्ट
तो फ्रेंड यहाँ पर बुक्स इज नॉट डिफाइंड क्यों आ रहा है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखो, यहाँ पर बुक्स, अब देखो, अब ये तो न्यू स्टेट रिटर्न करता है वो ठीक है, लेकिन अब ये कहाँ से, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, स्टेट ठीक है डॉट बुक माइनस वन और स्टेट डॉट पेंस माइनस वन ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए हेलो रिडक्स कंट्रोल शिफ्ट आई ठीक है, तो अब ये कंसोल पे देखोगे तो अपडेटेड स्टेट ठीक है यहाँ पर आ रहा है आप लोगों को, बुक्स 9 हो गया ठीक है, और बुक्स दो बार खरीदा है तो 8 हो गया, और यहाँ पर एक पेन भी खरीदा था उसके बाद मैंने, तो यहाँ पर 19 हो गया। तो फ्रेंड अब चलिए देखते हैं हम लोगों ने क्या किया था ठीक है। हम लोगों ने एक शॉप ठीक है जो कि एक स्टेट इनिशियल स्टेट क्रिएट किया था जिसमें बुक्स था 10, पेन था 20 ठीक है। उसके बाद एक्शन क्रिएटर फंक्शन क्रिएट किया बाय बुक बाय पेन, जो कि एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा था टाइप के साथ बाय बुक और ये बाय पेन। और यहाँ पर देखिए मैंने एक रिड्यूसर जो कि एक शॉपकीपर, रिड्यूसर इज वर्क लाइक एन एजेंट मींस बेस्ड ऑन एक्शन परफॉर्म ट्रांजिशन ऑफ स्टेट यस। तो यहाँ पर मैंने शॉपकीपर एक रिड्यूसर क्रिएट किया था जिसमें दो आर्गुमेंट लेता है, ये एक फंक्शन है रिड्यूसर इज अ प्योर फंक्शन, और दूसरा आर्गुमेंट में एक्शन। यहाँ पर मैंने स्विच के से चेक किया कि एक्शन क्या है, तो बाय बुक है तो बाय क्या करो, क्योंकि हम लोग का जो भी स्टोर में जो भी बुक्स है उसमें से एक कम कर दो। इसी तरह पेन को किया मैंने तो पेन को भी एक कम कर दो ठीक है। उसके बाद देखो स्टोर क्रिएट किया और स्टोर को हैंडल कौन करेगा, रिड्यूसर, रिड्यूसर क्या है यहाँ पर शॉपकीपर ठीक है। अब ये अपडेशन को ट्रैकिंग करने के लिए जैसे हम लोगों ने स्टोर डॉट सब्सक्राइब किया और जो भी यहाँ पर अपडेटेड स्टेट, अभी मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पर देखिए अपडेटेड स्टेट, क्योंकि हम लोगों ने सब्सक्राइब किया था इसी वजह से हम लोग को यहाँ पर कंसोल स्क्रीन पे आ गया कंसोल डॉट लॉग अपडेटेड स्टेट। उसके बाद हम लोगों ने एक्शन डिस्पैच किया ठीक है, बाय बुक उसके बाद बाय पेन, और पूरा काम होने के बाद अनसब्सक्राइब ठीक है। तो ये चीज तो करना नहीं पड़ेगा आप लोग को, लेकिन फ्रेंड सिर्फ अगर आप लोग सिर्फ रिडक्स लर्न करते हो तो ये चीज मतलब जानना जरूरी होता है ठीक है। तो यहाँ पर डायग्राम यही था, एप्लीकेशन था, एक्शन डिस्पैच किया और रिड्यूसर को पता चला कि कौन सा एक्शन परफॉर्म करना है, और बेस्ड ऑन एक्शन उसने स्टोर में अपडेट कर दिया स्टेट को। उसके बाद हम लोगों को इन्फो मिला क्योंकि हम लोगों ने सब्सक्राइब, एप्लीकेशन ने सब्सक्राइब को कॉल करके सब्सक्राइब किया था ठीक है अपडेटेड स्टेट को जानने के लिए। सो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं हम लोग के नेक्स्ट वीडियो में ठीक है। उसमें हम लोग देखेंगे कि अलग अलग फोल्डर बना के किस तरह से काम करना है।